हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 जो इंडिया में कल ही लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ रियलमी नार्जो 20A के साथ। और गाइस, ये जो दोनों फ़ोन है वो उसमें आपको जो है वो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज देखने को मिल रहे हैं, और प्राइस में भी आपको जो है वो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन जो है वो बेटर है, और अगर आप एक फ़ोन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन जो है वो बेस्ट होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट में। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी M12 का जो डिस्प्ले है वो आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है। फुल HD डिस्प्ले नहीं है ये, तो HD+ आपको जो है वो डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको जो है वो वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, और जो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है वो 1600x720 है। वहीं आपको रियलमी नार्जो 30A में जो डिस्प्ले मिलने वाला है उसमें भी आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है। LCD IPS पैनल है वो, और वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, और उसमें आपको रिजोल्यूशन जो है वो आपको 1600x720 पिक्सल्स आपको जो है वो रिजोल्यूशन मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 में जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच में, वो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और सेम आपको 8 मेगापिक्सल का जो है वो वाटर ड्रॉप नॉच में रियलमी नार्जो 30A में देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। रिफ्रेश रेट के मामले में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 में 90Hz का जो है आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहीं आपको रियलमी नार्जो 30A में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जो है आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 में मिलता है, और कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन जो है डिनोट नहीं किया गया है रियलमी नार्जो 30A में। प्रोसेसर के मामले में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 में जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको एक्जनॉस का 850 जो है वो चिपसेट आपको उसमें दिया गया है, एक्जनॉस 850 जो 8nm पे बेस्ड है, और रियलमी नार्जो 30A में जो चिपसेट दिया गया है वो आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है जो 12nm पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको वो जो सैमसंग का 850 जो प्रोसेसर वो 8nm पे बेस्ड है, और ये जो मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर है वो आपको 12nm पे मिलता है। बाकी बैक कैमरे के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 में जो आपको पीछे स्क्वायर मॉड्यूल देखने को मिलता है, और उस मॉड्यूल में आपको पीछे में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का जो है आपको डेप्थ इफेक्ट के लिए, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे रियलमी नार्जो 30A में जो है आपको पीछे डुअल कैमरा देखने को मिलता है, उसमें 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का जो आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस मिलता है। बैटरी के मामले में बात करें तो 6000mAh का बैटरी जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M12 में मिलता है, जिसके साथ आपको 15W का चार्जर दिया जाएगा, टाइप सी सपोर्टेड है। वहीं आपको रियलमी नार्जो 30A में 6000mAh का बैटरी मिलता है, और उसके साथ 18W का फास्ट चार्जर दिया जाएगा, और टाइप सी का जो है आपको उसमें सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, दोनों ही में आपको जो है वो काफ़ी अच्छे जो है वो स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं, और दोनों ही में आपको जो ब्लूटूथ में मामले में तो ब्लूटूथ में जो है वो 5.1 का जो है सपोर्ट गैलेक्सी M12 में मिलता है, और नार्जो 30A में जो है आपको 5.0 का सपोर्ट मिलता है ब्लूटूथ वर्जन में। बाकी आपको जो है वो सेंसर वगैरह जो है आपको दोनों ही में देखने को मिल जाते हैं। प्राइस के मामले में बात करें तो 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज का जो प्राइस है M12 का वो है 10,999 रुपीज़, और अगर आप इसको ICICI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या EMI ट्रांजेक्शन के थ्रू परचेज करते हैं तो 1,000 रुपीज़ का जो है आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको Realme Narzo 30A में जो है वो आपको प्राइस देखने को मिलता है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज का, वो है 9,999 रुपीज़, और इसका एक और वर्जन आता है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज का, उसका प्राइस है 8,999 रुपीज़। फिंगरप्रिंट के मामले में मैं बता देता हूँ, जो मैं भूल गया था, तो फिंगरप्रिंट जो है वो दोनों ही में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, ना बैक साइड मिलता है ना इन डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों ही में देखने को मिलता है। सो गाइस, मेरा मानना ये है कि इन दोनों फ़ोन में से जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M12 जो है वो ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे आपको एक्जनॉस का 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 8nm पे बेस्ड है,
और उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और इसमें आपको पीछे चार कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 का चार कैमरा पीछे देखने को मिलता है। प्लस इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल जो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M12 जो है वो ज़्यादा अच्छा फ़ोन जो है वो निकल कर आ रही है रियलमी नार्जो 30A के मुकाबले में। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।